गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना कंप्यूटर का जो आपका 8th चैप्टर मैंने आपको दे रखा था, ठीक है, तो उसके आंसर्स हैं। जैसे कि फर्स्ट कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद। सेकंड कौन है, भगत सिंह। थर्ड उद्धम सिंह, इसका आंसर है। और जो हमारा फोर्थ है, महात्मा गांधी। फिफ्थ है हमारा सरदार पटेल। सिक्स्थ आंसर है जवाहरलाल नेहरू। सेवन्थ है सुचेतक रिपलानी, ठीक है। ये हमारे इसके 8th के चैप्टर के आंसर हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे हम 9th चैप्टर। 9th चैप्टर क्या है, सोशल रिफॉर्मर्स। इन द मिडिवल पीरियड द इंडियन सोसाइटी हैड मैनी सोशल इविल्स एंड सुपरस्टिशियस बिलीफ्स। मतलब जो हमारे जो समाज में थी, वहाँ पे काफ़ी जो है सामाजिक बुराइयाँ थी। मैनी सोशल इविल्स लाइक क्या क्या थी है? जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज एंड डिप्रीविंग अ गर्ल चाइल्ड ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन। मतलब बच्चों को शिक्षा, जो लड़कियों को शिक्षा देने के लिए रोकना, वर प्रिवेंट इन दैट पीरियड। द वुमेन कंडीशन वाज पिटिबल एंड मिजरेबल। मतलब उनकी जो कंडीशन थी ना, वीमेन कंडीशन थी जो दुख भरी थी। दे हैड नो राइट टू गो आउट ऑफ देयर हाउस। उनके पास कोई अधिकार नहीं था घर से बाहर निकलने का। और इवन रीड द स्क्रिप्चर्स। इन द 19th एंड 20th सेंचुरीज मैनी रिफॉर्मर्स मेड ट्रायलेस एफर्ट्स टू इरेडिकेट दीज इविल्स एंड अपलिफ्ट द सोसाइटी। मतलब 19th और 20th सेंचुरी में काफ़ी जो मैनी रिफॉर्मर्स ने क्या बनाया, ट्राई किया उस पर एफर्ट लगाने का, कि ताकि जो है इस सिविल्स को क्या कर सके, समाज से दूर कर सके और समाज को ऊपर बढ़ा सके, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कौन था हमारा, ही वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज एंड डिड वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। ही वाज अ पायनियर सोशल रिफॉर्मर। ये क्या थे, एक ब्रह्मा समाज के थे, इन्होंने सोसाइटी को ऊपर उठाने का काम किया। तो कौन था ये, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट कौन है, ही फाउंडेड द रामकृष्णन। ये जो मिशन इनका रामकृष्ण मिशन था एंड एनकरेज द मैसेज टू एजुकेट द गर्ल्स। इनको इन्होंने क्या किया था, गर्ल्स को पढ़ाने के लिए एनकरेज किया था। एंड डिड अ लॉट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी को ऊपर उठाने का काम किया था। तो कौन है ये, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट थर्ड है हमारे, ही फाउंडेड द आर्य समाज। ही एक्सोर्ड द हिंदूज टू रिटर्न टू द वेद्स। ही मतलब इन्होंने हिंदू को वेद रिटर्न कराए थे। ही मोटिवेट वीमेन टू रीड वेद्स। उन्होंने वीमेंस को मोटिवेट किया था वेद्स को पढ़ने के लिए एंड सेटअप मैनी स्कूल्स एंड कॉलेज। और स्कूल और कॉलेज को सेटअप किए थे। तो कौन थे ये, स्वामी दयानंद सरस्वती। थर्ड है, ही फाउंडेड एन आश्रम एट शांतिनिकेतन। इन्होंने क्या किया था, आश्रम और शांतिनिकेतन फाउंड किए थे इन 1901, वेयर आ चाइल्ड गेट्स एजुकेटेड। यहाँ पे क्या, बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, आश्रम और शांतिनिकेतन किया था 1901 में। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज। ये नॉन यूरोपियन को जीतने के, फर्स्ट नोबेल प्राइज को जीतने के पहले बने थे, नॉन यूरोपियन बने थे। तो ये कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर हु वर्क फॉर द अनलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को ऊपर उठाने का भी इन्होंने जो काम किया था, वो कौन थे, यूरोबिंदो घोष। ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड द गुरु ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये जो गुरु, ये रिफॉर्मर थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के गुरु भी थे। ही फाउंडेड द सत्य होडक समाज को इन्होंने बनाया था। तो कौन था ये, ज्योत्री फूले। ही फाउंडेड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी। ही विजुलाइज इंडिया एज अ ब्यूटीफुल। इन्होंने देखा कि इंडिया बहुत ब्यूटीफुल ब्राइड है। हुज वन आइज वाज हिंदू, इनकी एक आँख जो हिंदू थी एंड द अदर मुस्लिम। तो ये कौन थे, सर सैयद अहमद खान। ही इज़ इन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हु लेड मूवमेंट टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, इंक्रीज गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टिगेट
एंड पनिश करप्शन इन पब्लिक लाइफ। तो इन्होंने क्या किया था, समाज को ऊपर उठाने के लिए, गांव के लोग ऊपर उठाने के लिए क्या काम किया था, तो ये इनका क्या नाम था, किशन बाबूराव हजारे। ठीक है, आपने ये चैप्टर अपनी बुक में राइट करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।